लोकसभा चुनाव के लिए लगातार नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रैलियों के दौरान कोई भी नेता, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा। आजकल भ्रष्टाचार करने से कोई नहीं डरता और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले से भी कोई नहीं डरता। कसमें, ये वादे, ये गारंटियां, महज सब बातें हैं, बातों का क्या। इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से कुछ लोग बौखला गए हैं। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार बचाओ, लेकिन असलियत में मोदी सरकार के लिए भ्रष्टाचार कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक विपक्ष से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह एक राजनीतिक टूल बनकर रह गया है। दोस्तों, भ्रष्टाचार किसी दल तक सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन मोदी सरकार लगातार यह प्रैक्टिस कर रही है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को ही जनता के सामने भ्रष्टाचारी बनाकर पेश किया जा रहा है। सरकार ठप पड़ गई है और प्रधानमंत्री लगातार रैली मोड में आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, मोदी सरकार का, बीजेपी का दावा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई उपाय अपनाए, मसलन योजनाओं का डिजिटलाइजेशन, कानून में परिवर्तन वगैरह वगैरह। लेकिन एक चिंताजनक तथ्य यह भी है, किसी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए संशोधन के बाद से भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई मुश्किल हो गई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का एंटी करप्शन ब्यूरो ACB कथित वित्तीय नियमितताओं से जुड़े 2/3 मामलों में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर पा रहा, क्योंकि राज्य सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। जांच के कई मामले महीनों तो कुछ सालों से लंबित है। ACB के आंकड़ों के मुताबिक पता चला है कि कानून में बदलाव करने के बाद से मार्च 2024 तक ACB ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े 547 मामलों की जांच के लिए अर्जी लगाई, जिसमें से केवल 51 को मंजूरी मिली। 126 मामलों की अर्जी खारिज कर दी गई थी। 31 मार्च तक मंजूरी मिले मामलों समेत 354 केस की जांच नहीं की जा सकी। राज्य के पास लंबी 354 स्वीकृतियों में से 210 वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित है और 144 अनुरोध उस सरकारी विभाग के समक्ष लंबित है जहां कर्मचारी काम करता है। इन 354 मामलों में से 2 को छोड़कर ACB को 4 महीने से अधिक समय से राज्य या संबंधित विभाग से कोई जवाब नहीं मिला। जिस दौरान ये सब चल रहा था, राज्य में अलग अलग गठबंधन की सरकार रही, जैसे भाजपा प्लस शिवसेना, महाविकास आघाड़ी, शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस NCP और भाजपा प्लस शिवसेना, शिंदे प्लस NCP, अजीत पवार। दोस्तों, जुलाई 2018 से पहले ACB सरकार से मंजूरी का इंतजार नहीं करती थी। प्रारंभिक जांच शुरू करने के साथ ही FIR दर्ज की जा सकती थी, लेकिन जुलाई 2018 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17A पेश किया। इस संशोधन के बाद पुलिस सीधे केस दर्ज नहीं कर सकती, संबंधित विभाग या राज्य सरकार से मंजूरी लेने को आवश्यक बना दिया गया। संशोधन के मुताबिक अर्जी मिलने पर सरकार को 3 महीने के भीतर अपना निर्णय बताना होता है। सरकार लिखित में कारण बताकर अतिरिक्त 1 महीना ले सकती है, लेकिन कानून में यह उल्लेख नहीं कि समय सीमा का पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इन हरकतों से देश की मासूम जनता को तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को नहीं। ऐसी ही एक एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो हर साल विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार के स्तर की जांच करने के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करती है। जर्मनी स्थित इस संस्था द्वारा जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का भ्रष्टाचार में दुनिया में 93वां स्थान है, जबकि एक साल पहले भारत का स्थान 85 था। मतलब साफ है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचार में डूबता जा रहा है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों चीन 42वां और भूटान 68वां, इनकी स्थिति भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, खुद PM मोदी भी ट्रैक कर सकते हैं, बस उन्हें अपने शुभ चिंतकों की बात ध्यान से सुननी चाहिए।
ऐसे ही एक शुभचिंतक है भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। सत्यपाल जी ने पीएम मोदी के भ्रष्टाचार पर प्रहार वाली गारंटी पर बोलते हुए कहा, बिल्कुल मोदी जी आपकी बात सही है, परंतु मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन जिन व्यक्तियों के बारे में बताया था वे सभी आपकी पार्टी में ही है और उन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों? पीएम मोदी चाहे तो किसी भी आगामी रैली में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और ना चाहे तो अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की आंखों में फिल्टर लगा हुआ है, अन्यथा उसे भ्रष्टाचार की सच्चाई अवश्य दिखती। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत योजना के दो हिस्सों में से एक है, यह योजना पीएम मोदी द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ लाई गई थी। बड़े बड़े वादे किए गए थे लेकिन मोदी जी अपने वादों को पूरा नहीं कर सके और यह योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। इस योजना का मूल्यांकन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक स्कैग द्वारा किया गया। स्कैग की रिपोर्ट से पता चला कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। स्कैग ने पाया कि इस योजना के तहत दिए जाने वाले 5 लाख रुपए प्रति परिवार के बीमा दावों के निपटान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2,25,000 मामलों में की गई सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख के बाद की दिखाई गई थी। एक आकलन के मुताबिक इसमें कम से कम 300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। कैग ने पाया कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार इलाज के दौरान 88,760 मरीजों की मौत हो गई, फिर भी इन मृत रोगियों को दिए गए ताजा उपचार के नाम पर इनके 2,14,923 फर्जी दावों का भुगतान किया गया। जिस योजना का गुणगान पीएम मोदी पूरे देश में करते रहे उसकी चौकीदारी भी अच्छे से नहीं कर सके, संबंधित मंत्री से इस भ्रष्टाचार के लिए जवाब तलब नहीं कर सके और ना ही इतनी हिम्मत दिखा सके कि जनता के सामने आकर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की नाराजगी दिखा देते। इलेक्ट्रो बोन के मामले ने तो नरेंद्र मोदी सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यह योजना और इसका खुलासा इस बात की पुष्टि करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का गलत इस्तेमाल किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि 2017 और 18 में आई यह योजना गलत उद्देश्यों के साथ लाई गई थी। जी हाँ, इसका खेल समझिए और क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए। जानबूझकर वित्त अधिनियम 2017 लाकर कॉरपोरेट जगत को खुली छूट दे दी गई कि वो जितना चाहे उतना चंदा राजनीतिक दलों को दे सकते हैं, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 में कॉरपोरेट के लिए पार्टियों को चंदा देने की सीमा 7.5% कंपनी के पिछले 3 सालों के लाभ का औसत पर निर्धारित थी। एक कंपनी जिसे अपनी पहचान खुलने का डर नहीं था, एक कंपनी जिसे असीमित धन चंदे के रूप में पार्टी को देने की छूट थी। अब कंपनियां यदि सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर काम करे तो दोनों को फायदा होना था। भ्रष्टाचार के इसी नेक्सस से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को ही असंवैधानिक करार दे दिया। इसका साफ मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना को लेकर दिए जा रहे पारदर्शिता के तर्क से सहमत नहीं था। आदेश के बाद जब आंकड़े सामने आने लगे तो न्यायालय का शक सही साबित हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड की यार्ड में भीषण भ्रष्टाचार चल रहा था और मोदी सरकार खामोश थी। दी हिंदू द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड आंकड़ों के किए गए विश्लेषण से पता चला कि कम से कम 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका 2017 से 2023 के बीच शुद्ध लाभ नकारात्मक है। इसके बावजूद उनके द्वारा राजनीतिक दलों को 581 करोड़ का चंदा दिया गया। सबसे अहम बात कि इस चंदे का लगभग 75% अकेले बीजेपी के पास गया। अब जो कंपनियां शुद्ध नकारात्मक लाभ में हैं, वो करोड़ों का चंदा कैसे दे रही है? कोई भी नौसिखिया बता सकता है कि यह स्थिति बिना मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं आ सकती, अर्थात इसमें परिवर्तन निदेशालय ईडी को जांच करनी चाहिए थी। लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इसमें जांच क्यों नहीं हो रही और अरविंद केजरीवाल की जांच क्यों हो रही है, उन्हें क्यों जेल में भेजा गया। सरकार ईडी का इस्तेमाल करके 70 साल पुराने मजबूत लोकतंत्र का कानूनी तरीके से गला घोटने का प्रयास कर रही है।
ईडी का जो काम होना चाहिए था उसे जहां एक्टिव होना चाहिए था उसे वह करने नहीं दिया जा रहा। लोकतंत्र मर रहा है और किसी धमाके के साथ नहीं बल्कि एक खामोशी के साथ। हाल ही में आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से ईडी जांच का सामना कर रहे 25 राजनेता अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ताजुब की बात तो यह है कि इनमें से 23 को ईडी द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया। ऐसे में क्या यह कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के बदले उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया? क्या यह कहना गलत होगा कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि जो विपक्ष में रहेगा उसे लगातार परेशान किया जाएगा, जबकि जो बीजेपी में शामिल होंगे उन्हें सभी भ्रष्टाचारों के आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा? क्या यह कहना भी गलत होगा कि बीजेपी ईडी के माध्यम से देश की अन्य पार्टियों को तोड़ने में लगी है? बीजेपी कानूनी रास्ते से देश के विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कुछ भी हो, यह सारी घटनाएं पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीतियों, वादों, भाषणों, गारंटियों पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है। हाल ही में पीएम मोदी के दावे, गारंटियां भारत की सीमाओं को लेकर है। मोदी पहले डोकलाम विवाद 2017 के दौरान भारत की हजारों एकड़ जमीन चीन के हाथों दे बैठे और अब चीन अरुणाचल प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए है। चीन भारत की सीमा में स्थित गांवों के नाम बदल रहा है, अपनी अवसंरचना को बढ़ा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे। यह कैसी नीति है? चीन को क्लीन चिट देकर कह दिया कि ना कोई भारत की सीमा में घुसा है ना ही कोई पोस्ट कब्जे में है। चीन ने पीएम मोदी की इस कथन का खूब फायदा उठाया। बार बार कई मंचों पर भारत के पीएम के इस कथन को बोला कि भारत के पीएम ही नहीं मानते कि हमने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। यह आयरन डोम की तरह है जिससे टकरा कर सारे आरोप बेकार हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार आरोप प्रूफ हो गई है, कोई भी आरोप उस पर पेस्ट नहीं हो रहा। सरकार के प्रचार का कमाल है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को भी जनता सत्ता का दुरुपयोग नहीं मान रही। जिस गर्व के साथ मोदी जी ने नारा दिया था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, वह आज धूल से मिल चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पर जो परफेक्ट डेंट लगा है वह किसी भी गैराज में ठीक नहीं किया जा सकता। बस मोदी जी, आप अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार पर जवाब दे। पीएम मोदी वास्तव में कब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे? आखिर कब वो भारत के सीमा पर स्थित दुश्मनों को अपनी लाल आंखें दिखाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।